हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक 3D मॉडल देखने जा रहे हैं, किस तरीके से एक्सटीरियर व्यूज़ बनाते हैं। जिसमें से साजिद मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने बोला, स्पेशली बोला हुआ कि सर प्लीज़, उनको कोई प्रोजेक्ट करना था। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है इसके ऊपर, और किस तरीके से 3D मॉडल बनाया जा सकता है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको किसी भी मॉडल का अगर एलिवेशन बनाना है तो पहले याद रखिएगा, आपको उसका 2D एलिवेशन ऑटोकैड में ज़रूर ड्रॉ होना चाहिए। अगर आपको 2D एलिवेशन ड्रॉ करना नहीं आता तो मुझे बताइएगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे जाइएगा एप्लीकेशन मेनू बार पे, एंड देन जस्ट क्लिक हियर ऑन इंपोर्ट। हियर यू कैन सी द ऑप्शन इज इंपोर्ट। बहुत एक एक स्टेप में करके समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से देखेगा। जस्ट गो टू डेस्कटॉप। मैंने क्या किया है, मैंने एलिवेशन व्यू को एक अलग फाइल में सेव करके रख दिया और प्लान को अलग में। वैसे तो मुझे एलिवेशन लाइक लेफ्ट और राइट का भी बनाना था, बट केवल मैंने अभी फ्रंट का बनाया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से उसको रखेंगे। सबसे पहले इसको हमने इंपोर्ट किया और दिस इज योर प्लान व्यू। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्केल वो नहीं है जो जिसमें आपने ऑटोकैड बनाया, जैसे कि मैंने फीट और इंचेस बनाया था, तो यहाँ पे इंचेस है, दैट मीन ओके। अगर आपका वो यूनिट नहीं है तो आप यूनिट आप चेंज कर दीजिए। दूसरा जो काम करना है आपको इसमें, सबसे पहले सबको सेलेक्ट करना, मीन्स अपने प्लान को सेलेक्ट करना है, एंड देन गो टू ग्रुप, एंड देन ग्रुप, एंड दिस इज योर ग्रुप वन। आफ्टर दिस, अब देखिए ये क्या ग्रुप में है, बट ये 0.0.0 पे नहीं है। सो आप यहाँ पे मूव कमांड लीजिएगा तो ये पूछेगा आपको ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो मैंने यहाँ पे 0 क्लिक करके 0 पे बुला दिया, इसको भी 0 करके 0 पे है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा ये प्लान कहीं इधर उधर घूमे, तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्रीज कर दूंगा। हाउ कैन वी डू द फ्रीज, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन लीजिए, और फ्रीज ऑप्शन लेने के बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए फ्रीज हो चुका है, अब ये कहीं पे भी हिलने वाला नहीं है। अगर आप इसको सोचें कि इसको मूव करें, सेलेक्ट करें, कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अब प्लान आपका सेफ है। नेक्स्ट, अगेन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, और यहाँ से अब एलिवेशन व्यू लीजिए इसका, और एलिवेशन लेके इम्पोर्ट। ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारे पास एलिवेशन आ चुका है। ये केवल फ्रंट का एलिवेशन है, अगर आपको लाइक बैक का भी एलिवेशन चाहिए, लाइक इधर का भी, लाइक लेफ्ट और राइट का भी चाहिए, तो वेल एंड गुड। अगर है तो नहीं है तो देखिए इससे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस मॉडल को लाइक एलिवेशन को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे स्नैप्स पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ एंगल दे दीजिएगा कितना, 90, क्योंकि इसको ऊपर लाइक सीधा रखना है ना, तो 90, और स्नैप को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इसके बाद जैसे रोटेट पे क्लिक करेंगे और कहीं पे भी क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप ये हो रहा है ऐसे। आपको कौन सा व्यू चाहिए, ये वाला व्यू चाहिए, ऑफकोर्स ये, ठीक है। अब इसका एक्सिस पहले मिला लेते तो करते तो बेटर रहता। तो एक्सिस करने के लिए, एक्सिस इन द सेंस कि आप 0.0.0 पे है कि नहीं, इसको चेक करना चाहिए ना सबसे पहले, 0 या 0, और ये 0, मतलब सभी 0 पे हैं। हाँ, आप ठीक है, 0 पे देखने के बाद अगर आप चाहें तो इसको सीधे रोटेट अप कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा। जैसे रोटेट किया, रोटेट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एंगल, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे हुआ, तो यहाँ पे एंगल मैंने 90 दे रखा है और ये स्नैप ऑन रखा है। अब ये जो व्यू है इसको थोड़ा टाइम दीजिए और अच्छे से सेट करिए, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि एलिवेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लेके आना पड़ेगा आपको, इस तरीके से आप इस प्लान को लेके आइए। देखिए प्रॉपर, अगर आपको ग्रिड प्रॉब्लम कर रही है तो जी लिख के क्लिक करेंगे, जी जैसे क्लिक करेंगे तो जी से ग्रिड आपकी गाइड हो जाएगी, गायब हो जाएगी, सॉरी। ये देखिए मैंने परफेक्ट ला दिया, अब बस इसकी हाइट मैच कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओ, हाइट मैच करते थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसमें भी जी क्लिक कर दीजिए जिससे आपको ज़्यादा समझ आता रहे, बस परफेक्ट आ गया। अब आपको एकदम अच्छे से एलिवेशन बनाना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लेफ्ट और राइट का भी एलिवेशन बनाना, बट अभी मेरे पास था नहीं तो मैंने सिर्फ फ्रंट का भी बनाया हुआ है। तो मैं आपको फ्रंट इस पार्ट में दिखाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं एलिवेशन इधर का भी, मतलब कि साइड का भी तैयार करके, उस साइड का भी तैयार करके आपको बता दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हो गया, अब ये बार बार डिस्टर्ब ना हो, इसका सेव बार बार डिस्टर्ब ना हो,
इसलिए पहले तो आप क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर दीजिए। दूसरा काम, इसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने से क्या होगा, अभी टेंशन नहीं रहेगा कि इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। ओके, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और फ्रीज है, देखिए हो गया परफेक्ट। अब देखिए व्यू हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एलिवेशन बनाने का टेंशन लेना है। उसके लिए शेप्स पे जाइएगा और यहाँ पे जाके रेक्टेंगल कमांड लीजिएगा। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स को ऑन करिएगा और इसको ऑन कर दीजिएगा। हमने ऑन कर दिया इसको। अब हमें पता है, देखिए एलिवेशन को भी आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे, ये देखिए अब एलिवेशन देखो बहुत सही बना हुआ। अगर आपका एलिवेशन इधर उधर है तो फिर अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए प्लीज़ एलिवेशन अच्छे से बनाना, ठीक है। अगर इसमें भी कोई गड़बड़ी होगी तो फिर वो परफेक्ट नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप अच्छे से बनाओ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा यहाँ से, और मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से बन गया। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में विंडो भी रखी हुई है। आप चाहो तो विंडो को बाद में भी बना सकते हो, ठीक है, और अगर अभी बनाना चाहो तो अभी बना सकते हो विंडो को। हमने इस तरीके से अलग अलग वॉल तैयार कर ली इस तरह से। अब एक स्लैब को तैयार कर दीजिए, सॉरी स्लैब को तैयार करने के लिए स्लैब का टॉगल लीजिए। ये लेने के बाद जहाँ तक आपका स्लैब है ड्रैग कर लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको लगेगी इसमें, तो अगर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप बहुत इजीली फटाफट कर सकते हो, मतलब फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वॉल तैयार कर दिया और स्लैब तैयार कर दिया और ये और ये। आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने उसको एक्सट्रूड नहीं किया है, ठीक है। जैसे जैसे मॉडल को एक्सट्रूड करते जाएंगे एक एक करके शेप बनता जाएगा। अभी जब कर रहे हैं तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सट्रूड करते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के प्रोजेक्ट को एक साथ एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। ऐसे जाके आप प्रॉपर बना सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आप यहाँ से हमने लिया और यहाँ से लेके हमने अलग से तैयार कर दिया, और फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तैयार कर दिया। एक साथ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल वैसे कर दीजिए। अब इनको एक्सट्रूड करना है तो एक एक करके एक्सट्रूड। उस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंगल्स को बंद कर दीजिए, सिर्फ सिर्फ मॉडल को देखिए। हमने इसको सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने के बाद सीधे यहाँ पे गए हम लोग एक्सट्रूड पे, और एक्सट्रूड पे जाते ही ये देखिए आपकी वॉल बन गई यहाँ पे। और वॉल को जो थिकनेस देना हो आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हैं। अब आपको पता है कि आउटर वॉल है, तो अभी इस प्लान में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इस प्लान में भी आई थिंक 9 इंचज़ का होगा, क्योंकि हमेशा आउटर वॉल हम लोग कितने इंच का रखते हैं, 9 इंच का रखते हैं। इस तरीके से 9 इंच का रख दिया हमने। इसके बाद हमने सेकेंड वॉल को लिया, इस वॉल को, और इस वॉल को भी हमने एक्सट्रूड कर दिया और अपने आप 9 इंच हो गया। सेम हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया और इस वॉल को सेलेक्ट करके भी हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया, और इस तरीके से हमारी बस ये तीनों वॉल बन गई। अब बचा क्या आपका स्लैब, तो आप स्लैब को सेलेक्ट करिए और स्लैब को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दीजिए। इस तरीके से हमने एक्सट्रूड कर दिया। बाद में हमको जितना खींचना होगा स्लैब को सीधे खींच सकते हैं, मैं आपको अभी एक एक करके दिखाऊंगा। तो देखिए अभी हमारा क्या हुआ कि एक फ्रंट तैयार हो गया। अब बचा क्या है, इनके बीच में विंडो की कटिंग्स है, तो चलिए विंडो की कटिंग को भी एक एक करके हम लोग कर देते हैं फटाफट। सेम तरीका है, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको रेक्टेंगल। देखिए इसमें सिर्फ ये टाइम टेकन होता है और कुछ भी नहीं होता, इतना इजी होता है एलिवेशन बनाना कि दोस्तों बहुत इजी है। आप जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देके थोड़ा सा कर्सर की सेटिंग और थोड़ा लैपटॉप भी आपका सेट अच्छा होना चाहिए। मेरा लैपटॉप अभी इतना अच्छा नहीं है, मैं जल्दी ही परचेस करने वाला हूँ अच्छा लैपटॉप। तो फिर मैं बहुत कम 3 डेज में इस पर मॉडल लाइक तैयार करके आपको दे पाता हूँ। मेन रीज़न यही है कि मेरे पास सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर के लिए तो बेस्ट है, बट आर्किटेक्चर के लिए हैवी सिस्टम लगता है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अभी हमने तीनों तीनों विंडो तैयार कर ली। अब तीनों विंडो के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मॉडिफाई पे जाना है। एक्सट्रूड लेना है,
एक्सट्रूड लेने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रूड करिएगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको सबट्रैक्ट करने वाले हैं। लाइक हमारा ये तो विंडो रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड करके नया विंडो ले आकर उस पर लगा देंगे। और इसके बाद एक बार फिर से ले लीजिए एक्सट्रूड कमांड, सॉरी अभी सेलेक्ट नहीं किया हमने, चलिए तीनों मॉडल के एक्सट्रूड कर दिया। और अभी जब एक्सट्रूड कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसको भी एक्सट्रूड कर लेते हैं। हमने इसको फिर से 9 इंचेस कर दिया। डन। हाँ जी, तो अभी हमारे पास ये परफेक्ट हो गया। बट हमें ना जो ये लाइक हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमें लाइक इनके जो डोर हैं सॉरी विंडो जो हैं, विंडो की कटिंग्स निकालने हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको मूव करिए, सॉरी, और मूव यहाँ से जैसे मूव करेंगे तो इस तरीके से मूव हो जाएंगे। इसके बाद बड़े ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब देखिए बूलिन कैसे करते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके सॉरी इधर आइएगा और यहाँ पे आके कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे आइए, और कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाके बूलियन, और बूलियन लेने के बाद पी ऑपरेंड बी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। अब इसके लिए सेम सेम प्रोसेस इसके लिए भी रहेगा, इसको बंद करिएगा, बूलियन पी ऑपरेंड बी। मैं प्रो कटर भी यूज कर सकता था बट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप एक एक स्टेप से कंफ्यूज ना हो, पिक ऑपरेंड भी, और इस तरीके से। तो हमने बुलियन से ही करना अच्छा समझा। तो देखिए हमारा अभी फ्रंट जो एरिया है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यह देखिए ये जो वॉल है ये किसके लिए है, ये वॉल है यहाँ के लिए, मीन्स इस प्लेस के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके जो वॉल जहाँ के लिए है वहाँ पे इनको हम लोग रख देते हैं। तो इसके लिए मूव कमांड लीजिए, और सबसे पहले हमने इस वॉल को और इस वॉल को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इनको हमने डायरेक्ट यहाँ से मूव करके, कहीं से भी आप मूव कर सकते हो जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से मूव करके प्रॉपर रख दिया। अब इसके बाद अब ये मत सोचिएगा स्लैब मेरे पीछे हो गया, हम स्लैब को आगे बुला लेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये लिया और ये लेने के बाद ये लिया, इन दोनों मॉडल को कहाँ पहुँचाना है, इन दोनों मॉडल को यहाँ पहुँचाना है। परफेक्ट, वेरी गुड। अब इसके बाद ये मॉडल और ये मॉडल, ये दोनों मॉडल कहाँ आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना भाई। देखो परफेक्ट, विथ विंडो आएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा बार बार आपको। और पता है क्या, हम लोग एक काम और कर सकते थे, वहीं पे विंडो लगा के भी हम लोग कर सकते थे, पर मैंने ऐसा ही करने की कोशिश करी कि ठीक है ऐसे ही करेंगे। एक चीज की प्रॉब्लम जाएगी आपको, वो क्या है, वो ये कि ये जो स्लैब है ये हमने एक साथ सबके लिए रख दिया, जो कि एक साथ नहीं है। पहले क्या करना है, इनके लिए अलग स्लैब है, पीछे भी जाएगी स्लैब, फिर पीछे जाएगी। तो अभी जैसे आपने स्लैब बना दिया तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्केल कर दीजिए। और स्केल करने के बाद सबसे पहले आप फ्रंट के लिए दे दीजिए। तो फ्रंट के लिए कैसे, यहाँ पे आप मूव कमांड लीजिए, और यहाँ पे आप लोग फ्रंट के लिए आप स्लैब दे सकते हैं इस तरीके से। डन। अब एक स्लैब जब यहाँ पे ले लिया तो हमने इसको देखा कि ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं, नहीं थोड़ा सा छोटा पड़ा स्लैब, तो आपके पास स्केल फिर से यूज करिए, और स्केल यूज करके इसको इस तरीके से लिया, और ये लेने के बाद यहाँ से मूव कर दीजिए थोड़ा सा। डन। और मूव करने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा स्केल और ये बच रहा है इसका, तो कोई बात नहीं, इसका स्केल कमांड लीजिए और ये लेके इसको अभी इस तरीके से हमने इसको लगा दिया।
अभी और ज़्यादा रहेगा तो हम एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा काम हो गया। अब देखिए हमारा इस तरीके से हमने फ्रंट लगा दिया इसका, और यहाँ पे अभी हम लोग डोर लगा एक विंडो लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी एक विंडो रख सकते हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक एलिवेशन यहाँ का, एक एलिवेशन यहाँ का, और एक एलिवेशन यहाँ का। मीन्स अगर एक इधर का एलिवेशन आप ले लीजिए, और एक इधर का, और एक इधर का, तो आपका जो ये एलिवेशन है इसके से 10 से 15 मिनट में बन जाएगा, राइट। तो अब आपको ये बताना है कि मुझे आगे ये मॉडल कंप्लीट करना है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके दीजिए कि यस सर हमें ये कंप्लीट चाहिए, अगर आपको चाहिए तो। और डेफिनेटली अगर आपने कंप्लीट दिया तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दूंगा। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ एलिवेशन बनाना है। अगर आपको लगे कि मुझे प्लान चाहिए तो नीचे आप कमेंट करो कि सर ये मुझे प्लान चाहिए, सो दैट हम प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं प्लान और एलिवेशन आपको साथ में दूंगा। पार्ट टू में लेके आ रहा हूँ, तो पार्ट टू में मैं एलिवेशन इधर का और बैक का भी एलिवेशन बना के उसको भी आपके लिए लेके आऊँगा, तो आप बहुत जल्दी उसको भी सीख जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको चाहिए सारे मॉडल सारे व्यूज़, सो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यार शेयर करो इसको अपने, हो सके तो 2 मिनट लगता है, आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप प्रोफाइल पर शेयर कर दिया करो। थैंक यू।